मैंने कोई गलती नहीं माना था, क्या कह रहे हैं? हमने कोई गलती नहीं की है। इनके लिए भी है ना, दूसरी वाली एक कुल्फी और डाल दो, एक एक कुल्फी कुल्फी डाल दो, कुल्फी डाल दो, एक और कुल्फी। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, चाला केम छो, महेश भाई कैसे हैं? बजरंग भाई कैसे, आप सब ठीक है? और फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि हम कहाँ बैठे हैं और किन के साथ बैठे हैं, तो भाई हम लोग एक कराची का एक पार्क है, वहाँ पे हम बैठे हुए हैं। और इस वक्त हमारे साथ जो है रमेश माना साहब हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक, कैसे हैं आप? बस शुक्र सर। और हमारे साथ विशाल भाई हैं, इनको तो आप देखते रहते हैं ज़्यादातर। और आज हमने सोचा कि यार एक वीडियो बनाई जाए, और स्पेशली माना साहब जो हमारे गेस्ट हैं आज के, जो है इनसे हम बातें भी करेंगे, और इनसे इनके मतलब कराची के हवाले से भी इनसे काफ़ी चीज़ें पूछेंगे। और ये गुजराती कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। सबसे स्पेशल चीज़ जो कि ये ख़ुद बताएंगे कि ये किसी एक जो हमारे क्रिकेटर हैं बहुत ज़बरदस्त से, उनके जो है रिलेटिव भी हैं। तो सर पहले तो अपने बारे में थोड़ा सा आप बताएं। मेरा नाम रमेश माना है, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, बॉर्न एंड ब्रेड इन पाकिस्तान, बहुत शुरू से पाकिस्तान में हूँ पैदाइशी। स्कूलिंग मैंने यहीं की, BVS पारसी स्कूल से, कॉलेज भी यहाँ से की, और उसके बाद मुख्तलिफ इदारों में काम किया है। बल्गेरियन ट्रेड रिप्रेजेंटेशन में मैं सेक्रेटरी था कोई अबाउट 30 साल, तो फॉरेन मिशन के साथ मैंने काम किया है, और स्पोर्ट्स वगैरह सारी सोशल एक्टिविटीज़ हमारी काफ़ी रही है। अच्छा सर, सुनने में आया कि दानिश कनेरिया साहब को भी आप जानते हैं? जी हाँ, दानिश कनेरिया मेरा नेव्यू है, उसके साथ एक अनिल दलपत, वो जी, भी जी, जी, जी। अनिल दलपत वो भी, ये दोनों मेरे नेव्यूज हैं। अच्छा। इवन महेंद्र कुमार जो कोच हैं जो दानिश कनेरिया साहब को। अच्छा 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 सर, मसरूफियात क्या चल रही है आजकल, क्या एक्टिविटीज़ हैं ज़रा ये बताइए। अभी आजकल तो ये COVID-19 चल रहा है, हमारी काफ़ी सोशल एक्टिविटीज़ थी। हमने एक इदारा बनाया है PMDF, दैट इज़ पाकिस्तान माइनॉरिटी डेवलपमेंट फोरम। इससे हमने सारे मजाहब के लोगों को, जैसे क्रिश्चियन हुआ, पारसी हुआ, सिख हुआ, सारे लोगों को, माइनॉरिटीज़ के जितने लोग हैं उनको हमने इकट्ठा किया है, और एक ही प्लेटफॉर्म हम हेल्थ एजुकेशन के ऊपर काम करते हैं। कई बच्चे जो डिज़र्विंग होते हैं उनको स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, कुछ फीस में प्रॉब्लम होता है तो वो कर देते हैं, कोशिश करके कम करवा देते हैं और एडमिशन दिला दें, ये हमारा काम है। और महेश भाई आप क्या कहेंगे, माना साहब को आप भी काफ़ी अरसे से जानते हैं? और मैं तो ये आपसे पूछना चाहूँगा कि जितने हैं पाकिस्तान में कराची में काम हो रहे हैं, उसमें हमारा जो रोल है माइनॉरिटी का, वो किस हद तक है? देखिए, माइनॉरिटीज़ ने हमेशा बड़ा वाइटल रोल प्ले किया है पाकिस्तान की डेवलपमेंट में, पाकिस्तान की इकोनॉमी में, पाकिस्तान के स्पोर्ट्स में। देखें, नेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान को 2 क्रिकेटर्स दिए, जिसमें एक दानिश कनेरिया और अनिल दलपत। अनिल दलपत ने बारी को रिप्लेस किया था, और कादर के लेवल का दानिश कनेरिया उससे भी आगे निकल गया, उसके हाईएस्ट विकेट्स हैं। तो और स्नूकर में बोले, स्पोर्ट्स में बोले, पुलिस में बोले, हर जगह जो है माइनॉरिटीज़ है। अच्छा सर, एक और चीज़ आपसे ये पूछना चाहूँगा, पाकिस्तान में इसमें स्पेशली कराची में हमने सुना है कि काफ़ी जो है गुजराती मीडियम स्कूल हुआ करते थे, जो कि कुछ अब भी जिनकी बिल्डिंग्स वगैरह भी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन अब शायद वहाँ गुजराती नहीं पढ़ाई जाती, या इतना स्टूडेंट्स में भी रुझान नहीं है। जैसे कि हिंदू कम्युनिटी भी यहाँ काफ़ी जो है गुजराती बोलने वाले जो लोग रहते हैं, लेकिन वो भी प्रेफर करते हैं कि इंग्लिश मीडियम में हम अपने बच्चे को पढ़ाएं, तो इसके बारे में आपका क्या है? ठीक है, अब ऐसा है कि गुजराती लैंग्वेज बहुत कम बोली जाती है, इवन बच्चे घर के अंदर उर्दू बात करते, कोई इंग्लिश बोलता है, तो गुजराती जो अपनी लैंग्वेज है उसकी इस्तेमाल बहुत कम हो गई है, इन्फ्लुएंस किया जाता है, इन्फ्लुएंस किया जाता है बिल्कुल। तो अब ऐसा है कि फिर भी हमने मिल के जिद्दोजहद की थी, जैसे उस्मान साठी साहब है वतन के एडिटर, एक अखबार निकलता था वतन, मिल्लत निकलता था, डॉन गुजराती, तो इसमें मैं एक फ़िल्म पेज पे रिव्यूज़ लिखता था, फिल्म देखने के बाद वो अपना एक शौक था, तो मैं रिव्यूज़ लिखता था कि भाई डायरेक्टर की ये गलती है, उसका ये है, इधर वल्गरिटी हुई, इधर ये गाना नहीं होना चाहिए, इस तरीके से आई यूज़ टू राइट रिव्यूज़। उसके बाद इंग्लिश में भी लिखता था, तो गुजराती के बाद फिर हमने ये किया कि गुजराती देखा, वो वतन का एडिटर बेचारा इतना अच्छा है उस्मान साठी, उनकी जिद्दोजहद ये थी, उसने कहा कि अगर एक भी गुजराती रह जाएगा मैं अपना अखबार बंद नहीं करूँगा, निकालता रहूँगा। उसके साथ हमने एक मिल के एक मुहिम चलाई थी, गुजराती बोले, गुजराती सीखे, गुजराती होना गर्व है,
ये हमने एक वो किया था, काफ़ी इसके ऊपर काम किया, लेकिन आजकल बच्चे हैं अरे गुजराती इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, अब उसको सबको इकट्ठा करना, क्लासेस अलग अलग चलवाना, इट्स नॉट एन ईजी थिंग, लेकिन अभी तक हमारी जिद्दोजहद कंटिन्यू है। बिल्कुल, उसके अलावा भी एक गुजराती बचाओ तहरीक के भी हमसे किसी ने कॉन्टेक्ट किया था, वो लोग भी काम करें और भी काफ़ी अच्छा। भाई विशाल भाई कब से जो है बैठे हुए खामोश, क्योंकि रमेश माना साहब से ही हमने ज़्यादा आज बात करनी थी, लेकिन विशाल भाई मराठी जो है लैंग्वेज के लिए काफ़ी जो है एफर्ट्स उनकी हैं, काफ़ी मतलब कोशिश करें यहाँ पे, और क्या कहेंगे विशाल भाई इस हवाले से। और एक नाम ज़रूर आपने जो है आप लोग भी, लेकिन उससे पहले मैं ले लेता हूँ, दिलीप पुरानिक सर जो कि बहुत ही हमारे मतलब बुज़ुर्ग भी हैं और बहुत ज़बरदस्त, अक्सर जो है उनका मैसेज जब आता है तो सुन के जो है मतलब कॉन्फिडेंस या जो और ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, हिम्मत बढ़ जाती है हमारी, मोटिवेट हो जाते हैं और ज़्यादा दिल करता है कि और अच्छे से काम करें, और इस तरह के अगर हमें जो है बुज़ुर्ग हमारे जो है बड़े देख रहे हैं तो हमारे लिए और क्या। तो विशाल भाई आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं सबको सलाम अलैकुम, नमस्कार और आदाब करता हूं और थैंक यू करता हूं कि आज महेश भाई और समीर भाई ने इतना टाइम निकाला, टाइम सर ने और हमारे माना साहब भी हमारे साथ आए, और क्योंकि हमें छुट्टी का एक टाइम मिलता है मौका और हम समीर भाई को और समीर भाई हमें थोड़ा कोऑर्डिनेट करके कहीं ना कहीं मिलके कोई ऐसा प्रोग्राम सेटलमेंट करते हैं। कम्युनिटी के लिए मदर टोन और लैंग्वेज और कल्चर को बढ़ाने के लिए तो अभी मैंने ये मतलब थोड़ा ज़्यादा वर्किंग की है, इससे पहले भी तमाम हिंदू कम्युनिटी के लिए हमने वर्किंग की है, हर जगह हम लोग जाते थे और भाग दौड़ वगैरह सब चीज़ें करते थे, तो जैसे माना साहब का साथ है, इससे पहले हमारे मरहूम आत्म प्रकाश साहब गुजर गए हैं, भगवान उनको अच्छी जगह दे, और बहुत सारे ऐसे हमारे एक्टिविस्ट रहे हैं जिन्होंने हमें ऐसे कामों में अपनी कम्युनिटी के या सोशल वर्क या सेवा या खिदमत के कामों में लगाया। हमारी कम्युनिटी के जो चेयरमैन गुजरे हैं मोहन गायकवाड़, जिन्होंने हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत वर्क किया, इसके अलावा और भी बहुत सारे थे, तो मैं पहले एक्टिव था अपने कम्युनिटी के अलावा भी और भी वर्किंग करता था। अभी मेरे पास कुछ टाइम से ये ऑफ़र आई थी दिलीप पुरानिक सर के ताउन से, जो सतारा में, और जो उनके बेटे हैं स्वप्निल पुरानिक, मैडम माधुरी पुरानिक हमारी टीचर हैं, और श्रुति ताई और नानक जादे, इनकी पूरी टीम है, तो उन्होंने हमारे को काफ़ी टाइम से जो है ना मैसेजेस और स्ट्रगल कर रहे थे, तो मैंने उनको रिप्लाई वगैरह दे के अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए एक कोशिश की है कि अपनी लैंग्वेज मदर टोन और कल्चर के ऊपर वर्किंग की जाए, तो इस कोशिश को अभी तक हम जारी रखे हुए हैं, और आज भी हमारी क्लास है, तो अभी इनके इंटरव्यू के बाद समीर भाई के बाद वहीं जाएंगे, तो इस मतलब वर्किंग के लिए जितना हम ऑनलाइन क्लास के लिए जितना हम बोलें दिलीप सर, स्वप्निल सर और जितने भी पार्टिसिपेट यहाँ से जुड़ते हैं, और ज़बरदस्त बात है, और थोड़ी हम रिफ़्रेशमेंट की तरफ भी जाएँगे, कुछ गर्मी भी हो रही है, देखते हैं कोई जूस कोई ठंडा कोई चीज़ वो भी करेंगे, और चलते फिरते थोड़ा सा बात करते हुए जाएंगे। उससे पहले माना साहब से थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि सर हमारे गुजराती कम्युनिटी बहुत ज़्यादा हमें देखती है, स्पेशली इंडिया से, गुजरात से, अहमदाबाद और मतलब इंडिया के दूसरे पार्ट से या बाहर से भी काफ़ी जो है कंट्रीज़ में बैठ के, तो उनके लिए हाँ पाकिस्तान में तो इस फिल पाकिस्तानी छुपे ज़्यादा कमेंट्स कम करते हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा तादाद में हमारे कुछ गुजराती ऑफिस में भी आए थे हमारे पास, वो उनकी तहरीक का नाम था मेरे ख्याल में गुजराती बचाओ तहरीक, मैंने जिक्र किया था गुजराती में, बोल सकता हूं गुजराती में। सर आप कुछ देखने वालों कुछ कहना चाहें, कुछ ऐसे जो थोड़ा बहुत बात करना चाहो, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट लेंगे। जेम के मैं कहूँ कि मारो नाम रमेश माना छे, हूँ एक सोशल एक्टिविस्ट छूँ, अने मारी कम्युनिटी श्री सुरती मायवंत राजपूत कम्युनिटी छे, गुजराती कम्युनिटी छे। हमें लोग शुरुआत थी पार्टीशन थी, हमें लोग क्या गया नहीं, पाकिस्तान अंदर ज वसेला है, पाकिस्तान में एजुकेशन, पाकिस्तान में काम धंधो बधु कई पाकिस्तान में ज रहू, पाकिस्तान एवं है कि पाकिस्तान कम्स फर्स्ट एंड देन वी गुजराती कम्युनिटी कम्स आफ्टर, पाकिस्तान अमारो पहले छे। बिल्कुल, तो तेज एने लई ने आग चालिए तो पाकिस्तान में हमने कोई वात नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं कि हमने कोई बीक छे कि कोई हमने काम करवानो मौको नहीं मळतो कि एवुं नहीं, जेने जेना अंदर टैलेंट छे मेरिट छे एना ऊपर ही आगळ निकळी सके छे, कोई क्या रोकावट नहीं। माना साहब मारो सवाल पूछवानो मतलब आ हतो कि पाकिस्तान में केटली गुजराती कम्युनिटी रहे छे ने गुजराती स्पीकिंग करे छे, जेम फॉर एक्जाम्पल बोरी कम्युनिटी छे,
सूरती पारसी मारो क्वेश्चन आ तो हाँ छे अमुक गुजराती कम्युनिटीज़ छे जेमा आगाखानी छे पारसी छे पेमन छे पछी अमारी गुजराती सूरती कम्युनिटी छे पछी रंगूनना सूरती એ લોકો પણ સુરતી છે જે ગુજરાતી બોલે છે બોરી કમ્યુનિટી છે તો રંગૂનવાલા હા તો અમુક લોકો છે અબાઉટ અપ્રોક્સિમેટલી કઈ નંબર્સમાં હશે જે ગુજરાતી બોલે છે જ્યારે ગુજરાતી વાત કરે છે તો ખબર પડે છે કે ભાઈ આ ગુજરાતી છે અચ્છા ગુજરાતી કલ્ચરને પ્રમોટ કરવાને લીધે કંઈ ફેવરેટ કંઈ ડિશ હોય યા કંઈ એવી કંઈ તમને કંઈ બતાવો કંઈ ગુજરાતીમાં મુખ્તલિફ ડિફરન્ટ વેજીટેરિયન ડિશીઝ હોય છે જેને લોકો પ્રિફર કરે છે અને આજકાલ તો એવું છે કે ગુજરાતીઓ વધારે કરીને વેજીટેરિયન પણ પ્રિફર કરે છે હા માંસ મચ્છી તરફ નથી જતા એ લોકો અને ઘણા ઘણા ખરા વેજીટેરિયન થઈ ગયા છે અચ્છા सूरत के हवाले से थोड़ा सा पूछना जैसे सूरती कम्युनिटी की बात की जैसे सर भी बिलोंग करते हैं तो सर सूरत में है रिलेटिव्स वगैरह हैं आपके हाँ हमारा सूरत में भी रिलेटिव्स छे अहमदाबाद में छे पछी गुजरात ना गोरागांव गोरेगांव राजकोट पछी उल्लासनगर में मारा पोताना भाणेजो छे अने वसई में छे मारी एक बहन तो ए लोको पार्टीशन ना वक्ते चली गयेला हता तो दे आर देर एंड वी आर हियर तो बट आ छे કે આજકાલ તો વોટ્સએપ થઈ ગયું છે મુફ્તમાં પૈસા બી ખર્ચ નથી થતા અને વાતચીત થઈ જાય છે અને નેટના બાકી વોટ્સએપના ઉપર તો વાત નથી થઈ શકે છે તો બચ્ચા પાણી બી જી સર તો ભાઈ अब थोड़ा सा कुछ रिफ्रेश में पहले तो पानी तो ले लिया है उठाया था मैंने कहा उससे पानी ले लेते हैं बाकी देखते हैं कुछ भाई हम चलते फिरते जा रहे हैं गर्मी भी काफ़ी है लेकिन ये कि हमने कहा थोड़ा एक ही जगह बैठे रहेंगे शायद आप लोग भी बोर हो जाएं और महेश भाई कहाँ गए नज़र दें यार महेश भाई तो भाई बस यही यार हम जो है यही कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोगों को आपके सामने लाया जाए कि जो आप लोग को मतलब के हिस्ट्री के हवाले से भी नॉलेज देते रहे जैसे माना साहब ने भी काफ़ी अच्छी बातें बताई काफ़ी ऐसी चीज़ें जो मुझे भी शायद नॉलेज नहीं थी वो भी बताई और BVS के हवाले से बताएं BVS पारसी स्कूल क्या पूरा नाम क्या है इसका भाई वीरभाई जी सुपारी वाला पारसी हाई स्कूल अच्छा और ये स्कूल जो है डिसिप्लिन के मामले में आज दिन तक क्योंकि मैं तो वहाँ से पढ़ा हुआ हूँ यहाँ तक था कि नेशनल एंथम जब बजता था तो अगर माली कोई पानी डाल रहा है तो उसको प्रिंसिपल रुकवा देता था सही गेट के अंदर बच्चा लेट आ रहा है पैदल चल के आ रहा है तो नेशनल एंथम बजता था तो प्रिंसिपल हमारा बेली रुस्तम जी था वो रुकवा देता था लोगों को इतनी इज्जत थी नेशनल एंथम की धूप में तो पिघल गई होंगी नहीं नहीं अंदर सिस्टम है ना चार बना दे यार तो भाई कुल्फी खाने का मूड हुआ तो माना साहब ने कहा कुल्फी खा लेते हैं ये भाई के है और भाई बताइएगा ये आज आपको वीडियो कुछ थोड़ा डिफरेंट तरीके की हमने बनाने की कोशिश की और विशाल भाई माना साहब को दीजिए सर आप ले लें इसमें ना मैं अधिक सही है ना महेश भाई थोड़ा देसी वाला और शिकारपुरी स्टाइल में जिस तरह शिकारपुर में ज़्यादातर इसी तरह वो होते हैं मसाला मसाला दीवान जी कुल्फी कहें जी एक बड़ा दीवान का फालूदा अच्छा फालूदा वाला ये बोलो ना आप ये मेरा भी यार ऐसे ही बना दो फिर ये तो फिर हमारा सब मेरा भी ऐसे ही है आगे फालूदा देखा ना मैं यही बोलने वाला था माना साहब को हमने वो खिलाना था यही बोलने वाला था नहीं फालूदा तो फिर वो उसमें फालूदे का तो अपना मजा है दिखा ना जरा यार ये किस तरह अंदर रखे हुए बर्फ में है शायद नजर आ रही हाँ भैया कितने होंगे चार पैसे नहीं विशाल भाई नहीं 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 गलत माना साहब ने कहा है यार मैंने कोई गलती नहीं माना साहब क्या कह रहे हैं हमने कोई गलती नहीं की है हाँ इनके लिए भी है ना भाई फालूदा डाल दो दूसरे वाली एक कुल्फी और डाल दो एक एक कुल्फी कुल्फी डाल दो कुल्फी डाल दो एक और कुल्फी डाल दो यार थोड़ी किसी और में डाल देना एक कुल्फी डाल दो थोड़ी सी विशाल भाई को उसमें डाल देना जैसे भी है केले में महेश माना भाई
मैं पहले बोल मैं यूट्यूब के लिए यूट्यूब पर कॉल गए तो भाई माना साहब ने ऑन द स्पॉट पकड़ लिया महेश भाई को कि यार ये क्या तरीका है बोले मुझे भी यही अच्छा कुल्फी खाने का नहीं इन्होंने गलत किया आपके साथ कुल्फी हम लोग खा रहे थे और आप सोच रहे होंगे महेश भाई कहाँ गए महेश भाई आप कैमरा के पीछे आ गए क्योंकि उन्होंने सबसे पहले जो है कुल्फी खा ली हम लोग बातों में ही लगे हुए थे तो माना साहब कैसे लगी कुल्फी कैसी लगी कुल्फी ठीक ठाक अच्छी है अच्छा ये पुरानी याद आ गई फालूदा कुल्फी का अपना ही मज़ा है फालूदा के साथ जो कुल्फी खा रहे लेकिन बचपन में जो कुल्फी खाते थे जो स्टिक में आती थी खास तौर पे ऑरेंज वाली तो कुल्फी का तो अपना ही मज़ा होता था लेकिन जो कुल्फी से ज़्यादा जो स्टिक में मज़ा होता था बच्चे उसको चूस चूस के खाते थे उसका भी एक अपना अलग ही मज़ा होता था समीर भाई शायद आपने वो डंडी वाली कुल्फी ऑरेंज वाली खास तौर पे खाई हो आपके टाइम पे गोला गंडे का भी अपना मज़ा गोला गंडा बिल्कुल गोला गंडा कुल्फी उसका अपना ही और इस गर्मी के अंदर कुल्फी खाने का अलग ही मज़ा है बिल्कुल और जो अभी जो अच्छा पीछे आप लोग देख रहे हैं बारात जा रही है ये बेसिकली टिकटॉक वगैरह बन रहा है तो यहाँ पे अभी बेटा अब तो स्नैक वीडियो भी एक और आ गई है एक मुसीबत ही ऊपर एक और आ गई बहरहाल अच्छी बात है एंटरटेनमेंट क्या कहते हैं माना साहब इस सवाल से आप क्या कहेंगे यंगस्टर के लिए मतलब एक ज़्यादा एंटरटेनमेंट तो चाहिए अब क्या किया जाए अगर बंदा एक जो है टिकटॉक बना के उसका दिल खुश हो जाता है तो कुछ बुरा तो नहीं है वैसे लोगों के लिए भी एक कॉमेडी है नहीं कर रहे लोगों के लिए भी एक कॉमेडी है लोग कॉमेडी करते हैं टिकटॉक से अच्छा फ्रेंड एक फाउंटेन आपको दिखाते हैं जो कि काफ़ी पुराना फाउंटेन है और माना साहब कितना पुराना होगा ये अभी देखें ना 1890 से है और आज हम 21 में खड़े हैं भाई इतना पुराना है ये और किसने ये साल से ऊपर हो गया किसने ये जो है बनवाया था ये हेडल जी डिंशा फाउंटेन हेडल जी डिंशा वन ऑफ द नोन फैमिली पारसी कम्युनिटी फ्रॉम पारसी कम्युनिटी इन पाकिस्तान लेकिन अब जो है ये ऑपरेशनल नहीं है इसकी क्या वजह है क्या कहते हैं मतलब ये फिरर हॉल की जो अथॉरिटी है उनका काम है कि इसको मेंटेन विशाल भाई आप बता रहे थे कि ये पहले मूर्तियां वगैरह भी यहाँ लगी होती थी जो अब नहीं है क्योंकि हमारी खुद फ़ोटोज़ वगैरह उनके साथ थी और ये मैंने महेश भाई को भी बताया ये फाउंटेन जो है ना इडुलजी डिंशा जो लिखा हुआ है फाउंटेन उन्होंने बनाया है और इनके नाम से एक चैरिटेबल ट्रस्ट भी है मैं आप प्लीज़ वहाँ भी जाके देखना ये सदर के अंदर फिरर हॉल के जो है बड़ी एक हिस्ट्री इसकी भी रही है आजकल तो सिर्फ टिकटॉकर्स या हम लोग भी इस वक्त वैसे तो आए हुए हैं लेकिन ज़ाहिर है पार्क है पब्लिक पार्क है कोई भी आ सकता है लेकिन एक इसकी भी अपनी अहमियत रही और यहाँ लाइब्रेरी भी अंदर है तो इसके बारे में क्या कहेंगे लाइब्रेरी है म्यूज़ियम है और किसी ज़माने में तो बहुत यहाँ चहल पहल होती थी बहुत लोग आते थे अभी भी आते हैं लोग अपना इवनिंग गुजारते हैं यहाँ पर बहुत से लोग हैं बच्चे आते हैं घूमने के लिए इट्स अ ह्यूज पार्क अच्छा सर एक और जो है बड़ी जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है कराची में हिंदू जिम खाना जिसमें जहाँ जो अभी नेपा भी एक इंस्टीट्यूट भी है जो है एक्टिंग वगैरह से थिएटर से रिलेटेड है उस बिल्डिंग के हवाले से कुछ आपको है नॉलेज है हिंदू जिम खाने का ऐसा था कि परवेज़ मुशर्रफ की गवर्नमेंट जब आई तो हिंदू जिम खाने को हैंड ओवर कर दिया था इनको नापा वालों को फिर इसके ऊपर हमने काफ़ी टेकअप किया आई वॉज द फर्स्ट के लिखा था कि भाई परवेज़ मुशर्रफ ने ये हैंड ओवर कर दिया कल्चर को प्रमोट करना एकेडमी को बढ़ाना अच्छी बात है लेकिन हिंदू कम्युनिटी की ये प्रॉपर्टी है तो इसको हिंदू कम्युनिटी को तो दिया जाए कोई वो अपने फंक्शंस करे वहाँ पर कोई काम और भी होते हैं बहुत से बच्चों की प्रमोशन के लिए तो फिर शाजिया मरी साहिबा जो आजकल पीपल्स पार्टी में है और फेडरल में है तो उनको मैंने अप्रोच किया था और उनके साथ एक प्रोग्राम किया था और बाकायदा एक तख्ती यहाँ से हट गई थी हिंदू जुमखाना की और पाकिस्तान एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट की आ गई थी फिर शाजिया मरी ने हमें बड़ी सपोर्ट की थी हेल्प की और वो तख्ती फिर रेस्टोर हो गई अब यह है कि कोर्ट में चल रहा है केस जब से हम लगे हुए हैं और इतना हो गया है कि इफ़ यू वांट टू डू एनी फंक्शन देयर अगर हम अपना कुछ करना चाहें तो परमिशन में मिल जाती है मशहूर हिंदू जिम खाने के नाम से खाने के नाम अच्छा सर एक चीज़ और आपसे कहूँगा कि गुजराती कम्युनिटी के शादी वगैरह जैसे होती हैं इवेंट्स होते हैं हमने आज तक वैसे मैंने पर्सनली एक दो अटेंड किए हैं लेकिन मैं जस्ट सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं
तो किस तरह डिफरेंट होती है गुजराती कम्युनिटी की, स्पेशल सिंधी कम्युनिटी की भी शादी देखी है हमने सब देखी है, पाकिस्तानी गुजराती कम्युनिटी की शादी जो होती है उसमें क्या कुछ अलग होता है, खाने कैसे होते हैं, थोड़ा इसके बारे में अगर बताएं आप। गुजराती कम्युनिटी की जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी अपनी ओन कम्युनिटी में जी जी दूसरी कम्युनिटी है जैसे मेमन ने खोजा है तो उनके तो अपने अपने हिंदू कम्युनिटी से, हिंदू कम्युनिटी का ये है हमारी अपनी कम्युनिटी वो वेज नॉन वेज दोनों पोर्शन रखते हैं खाने में। अच्छा। जो अगर कोई वेजिटेरियन है तो उसको तकलीफ ना हो वो वेजिटेरियन खा सकता है। अच्छा। और अगर कोई नॉन वेज है तो नॉन वेज की तरफ जा सकता है। अच्छा। तो इस तरीके से बाकी हमारा वो है कि महाराष्ट्र की पार्टिसिपेशन होती है और वो फेरे फेराते हैं हमारे अंदर, तो फेरे का जो है मेन है कि फेरे के बाद ही वो शादी कम्प्लीट हो जाती है। लेडीज की जो रस्म मतलब वो जो डिफरेंट जो चीज़ें रस्म रिवाज वो होते हैं। सही। अच्छा सही। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का भी मैं मेंबर हूँ, इनकी शुरू में हमने बहुत मीटिंग अटेंड की, इनके पास भी इनको भी मैं यही कह रहा था कि भाई यंग जनरेशन को भी ले आओ साथ में एक पैरेलल ग्रुप खड़ा करें ताकि ये है कि कभी सीनियर लोग नहीं हो तो कम अज़ कम उनको तजर्बा मिले वो तो लेके आगे चले। सही। अच्छा माना साहब जैसे कि आप बता रहे थे कि आप सेंसर बोर्ड के मेंबर भी रहे हैं। जी हाँ मैं सेंसर बोर्ड फिल्म सेंसर बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ सिंध का मैं मेंबर था और मैं 13 साल जो है मेंबरशिप रही मेरी। अच्छा सही। तो कैसा एक्सपीरियंस था और क्या क्राइटेरिया होता है एक फिल्म को जो है सेंसर करने का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत फ्रेंडली होता था, हमारे सेक्रेटरी होते थे रजा खावर। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कोई फिल्म ऐसी नहीं थी कि जो मुझे नहीं बुलाते थे और तो एब्सेंट हो भी जाते थे लेकिन हमारा अपना शौक कि मैं कभी कोई फिल्म मिस नहीं करता था। और तो अजीज़ साहब को भी आप जानते हैं जो कैप्री सिनेमा में, मेरे तो काफ़ी व्यूअर्स उनको जानते हैं, अजीज़ खटक साहब। कैप्री में भी हमने बड़ी सेंसर की है फिल्म, बेम्बिनो में की है, ओशन मॉल, हेटेरियम, बहुत सी जगह पे सेंसर। अच्छा सर एक मूवी आती है सेंसर के लिए तो क्या मतलब वो आपके जो कोई स्टूडियो है या जो ऑफिस है वहाँ आती है या फिर वहाँ सिनेमा में जाके आप सेंसर करते हैं, क्या इसका किस तरह होता है? नहीं पहले तो डिस्ट्रीब्यूटर हमसे टाइम लेता है सेक्रेटरी से, फिर वो एक सिनेमा हॉल बुक करता है। अच्छा। वो डिस्ट्रीब्यूटर ही करता है जी। फिर हम उसको बताते हैं कि भाई ठीक है, वो हमें कहते हैं कि यार इस दिन हमको सेंसर करनी है, बुक हमने कर लिया थिएटर सब कुछ, फिर सेक्रेटरी जो है वो सारे मेंबर्स को इन्फॉर्म करता है, जो आ जाए तो एक 5-7 का पैनल होता है वो बैठ के देख के सेंसर करता है। अच्छा सर एक थोड़ा सा फ़नी भी हो जाए क्योंकि ज़्यादा सीरियस कुछ हमारे जो ऐसे भी लोग हैं जो थोड़े हंसी मजाक भी ज़रूरी है, कभी ऐसा हुआ कोई मूवी सेंसर करने गए और शदीद नींद आने लगी हो कि यार ये ख़त्म हो गया और जान छोड़ इसको जान बहुत ही बोरिंग फिल्म में यह होता था, बहुत ही बोरिंग फिल्म होती थी तो मैं इतनी कंसंट्रेशन से नहीं देखता था तो नेचुरली नींद आती थी तो मुझे मेरे मेंबर्स बोलते थे यार माना साहब आपने अच्छा किया कि नींद लेके उठे, तो मैं इनमें मशहूर था कि फिल्म देखते देखते सो जाता था। ये बात हमें पता नहीं थी, ऐसे ही पूछा। ऐसे ही कहा जाता है सिंधी में, कहते हैं कि वो वण ही ना है जैसे हवा ना लगी हो, वो दरख्त ही नहीं है जिसको हवा ना लगी हो, तो कभी प्यार व्यार हुआ कुछ कोई ऐसी अट्रैक्शन कॉलेज में यूनिवर्सिटी में? यंग एज में तो यार एक बड़ी जवानी दीवानी होती है तो हो जाता है। अच्छा कोई कामयाब कोई नहीं नहीं ये हो जाए कोई कामयाब हो जाता है तो क्या हुआ फिर जिंदगी का एक हिस्सा नहीं। ये हमारा जो इंटरव्यू देखो सेंसर बोर्ड दूसरों की चीज सेंसर करता है लेकिन आज हम उनकी जो अनसेंसर चीजें बताएंगे तो माना साहब कामयाब हुए नहीं हुए सक्सेस? मेरा कहने का मकसद ये था कि जवानी बड़ी दीवानी होती है, अब इसमें अपने आप के ऊपर काबू नहीं रहता, किसी कैसे भी दिल लग जाता है। अब इसमें ऐसा है कि कोई नसीबदार होता है वो कामयाब हो जाता है, कोई नसीब कम मारा हुआ होता है तो नाकाम भी हो जाता है। नहीं नहीं हम तो आजकल हैप्पी गो लकी है, हमें हमारे साथ जो भी हुआ भगवान की बड़ी कृपा हुई है, दया हुई है, एंड आई एम हैप्पी विद माय ओन फैमिली। चलो तो वो आपके साथ है, चलो अच्छी बात है। तो बस ये क्योंकि एवरीथिंग इज 7 डेज वंडर। बिल्कुल बिल्कुल। मोहब्बत जो होती है
उसके अंदर वादे बहुत ज़्यादा होते हैं। जब प्रैक्टिकल लाइफ होती है, प्रैक्टिकल लाइफ होती है तो बिल्कुल चेंज होता है। थोड़ा आगे चला जाए यहाँ, थोड़ा सा और दिखाते हैं आपको बेसिकली क्या एक्टिविटी हो रही है। आप लोग सोच रहे होंगे तो हटना दो, ये हमारे टिकटॉकर हो भाई, कौन से हो, कौन हो आप लोग, यूट्यूबर हो, टिकटॉकर हैं, थोड़ा सा बताएं। तो ये भाई का स्टाइल देखिएगा, अपना बताएं नाम वगैरह। पाकिस्तानी शाहरुख खान दे हैं। बैठो बैठो आप, अपना वही स्टाइल से बैठो ना यार, आप उधर देखो। तो ये भी साथ साथ चल रहा था इसलिए थोड़ी हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट भी आ रही थी। तो भाई वैसे वाकई हैंडसम है, क्या बात, सही बात है ना। बस शुक्रिया शुक्रिया भाइयों, थैंक यू। चलो बस तो फ्रेंड, उम्मीद करते हैं आज की आपको वीडियो जो है अच्छी लगी होगी, मज़ा आएगा और माना साहब की बातें सुन के ज़रूर मज़ा आएगा। और माना साहब क्या कहेंगे, लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? लास्ट में मेरा कहना यही है कि हर हाल में बंदा खुश रहे और अच्छे काम करे, किसी के लिए बुरा ना सोचे। बिल्कुल बिल्कुल, ज़बरदस्ती बात है। और महेश भाई, बस माना साहब से हमारी फर्स्ट मीटिंग थी इतनी लंबी, क्योंकि मिलते तो हैं पर एक मिनट या आधा मिनट पर, आज खुशी हुई बहुत इनकी बातें सुन के, इनका तजुर्बा लेके बहुत खुशी हुई हम। और विशाल भाई, बहुत अच्छा लगा आज के व्लॉग के बारे में, आप लोग कमेंट करें और हमारा चैनल नो भी सब्सक्राइब करो। एनो चैनल नो भी सब्सक्राइब, एनो एनो चैनल। नाम क्या है चैनल का, नाम तो मेरे नाम से ही है, विशाल राजपूत, नाम ही काफ़ी है, ठीक है ना भाई। तो बस अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद, और वीडियो हम इस तरह आपके लिए लाते रहेंगे। बाय बाय, थैंक यू, बाय।